नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए मित्र, बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की, राजस्थान का इतिहास, जो प्रारंभ से लगाकर राजस्थान के एकीकरण तक की किताब है, और राजस्थान कला एवं संस्कृति, जिसमें कला संस्कृति से संबंधित मैटर है। दोनों किताबें पवन भवरिया सर की, और अभी तक राजस्थान के अंदर RPSC द्वारा या RSM SSB द्वारा जितने भी एग्जाम हुए, उन सब में सर्वाधिक प्रश्न देने वाली दोनों किताबें। इन दोनों किताबों का लेटेस्ट वर्जन की बात करते अपन तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो राजस्थानी भाषा सही थे, और राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे RPSC के द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई सा भी एग्जाम हो, या फिर विभिन्न प्रकार के एग्जाम मंत्रालय विभाग द्वारा करवाए जाते हैं, उन सबके लिए महत्वपूर्ण किताबें। और अगर आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, तो अंतिम समय तक बने रहे, आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। ये लेटेस्ट किताब है जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो राजस्थानी भाषा से थे, और पवन भुनिया सर की किताब है, और इसका लेटेस्ट अपडेट वर्जन यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में किताब आने वाली 25 दिसंबर तक मार्केट में आ जाएगी, और दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक संभावित है पूरी तरह से किताब, जिसमें इस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और जो सेकेंड ग्रेड के एग्जाम भी होंगे तो उन एग्जाम के पेपर भी इसमें हल, यानी पुराने प्रश्न पत्र भी इसमें अंदर, इस किताब के अंदर हल किए हुए हैं। तो ये बहुत ही जल्द बाजार में आने वाली है, तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए महत्वपूर्ण किताब है, और दोनों किताबें सेकंड ग्रेड वालों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न बताते हैं आपको, और सेकंड ग्रेड के लिए ग्रुप ए के हो, ब्रिक के हो, या सी के हो, सबके लिए महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों की बात करते अपन। ये PTI एग्जाम जो हुआ था 25 सितंबर 2022 को PTI का एग्जाम होता, उसमें इन दोनों किताबों में से राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति में से 23 में से 22 प्रश्न पूछे गए थे। अब वो कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों की बात अपन करते हैं। प्रश्न जो पेपर के अंदर दे रखा था उसके हिसाब से दे रखे हैं, क्रमवाइज नहीं दे रखे हैं। तो प्रश्न देखते हैं अपन कि किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, तो हाड़ौती का खजुराहो, शिव मंदिर, भंड देवरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या सही दे रखा है, पवन भवरिया सर ने इतनी मेहनत की है विद्यार्थी के लिए कि उन्होंने अपने किताब में से सारे प्रश्न सही तो दे रखा है कि आप मिलान कर सकते हो, यानी देख सकते हो कि इन किताबों में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इन किताबों को पढ़ सकते, इन किताबों को पढ़ने के बाद RPSC सेकेंड ग्रेड आप आराम से GK के पेपर में 100 में से 100, यानी जितके के जितने प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न सही कर सकते हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है, गणेश्वर सभ्यता, ये प्रश्न संख्या दे रखी है आपके 32-33। अगला प्रश्न है, चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है, शेखावटी ख्याल के, प्रश्न संख्या 133 दे रखा है। अगला प्रश्न है, हजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र थे, देवगढ़ का है, प्रश्न संख्या 46 दे रखा है। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये नसीराबाद में हुआ था, 143 प्रश्न संख्या दे रखा है। उसके बाद त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, तो रणथंबोर के अंदर है, प्रश्न संख्या 6 पे दे रखा है। फिर अगला प्रश्न है, महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक थे, तो प्रतियार थे। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, तो मेहरानगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है, तो पिछवाई के लिए। अगला प्रश्न है, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी, मातृकुंडिया से की गई थी, जो चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी एवं कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है, तो आहड़ सभ्यता है। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित, गरासा संबंधित है। अगला प्रश्न है, मामादेव कुंड स्थित है, तो कुंभलगढ़ के अंदर है, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य अग्नि यानी अग्नि नृत्य किससे संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, गोरवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है, तो मारवाड़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ था, बीकानेर प्रजामंडल। अगला प्रश्न है, 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था, भोपाल सिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला गलत है, तो कपिल मुनि का मेला कोटा गलत है, क्योंकि कपिल मुनि का जो मेला है वो बीकानेर के अंदर लगता है, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, महिला आभूषण नवेरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता था, पांव में। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला संबंधित है, फड़ चित्रण कला से संबंधित है। तो ये सूचनार्थ यानी नाथ पब्लिकेशन ने सूचना दी है, और ये राजस्थान का इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति दोनों किताबों से पूछे गए प्रश्न है। एक और उदाहरण आपको बताते हैं, जो 18 मई 2022 को JEE की परीक्षा हुई थी, उसमें भी 20 में से 19 प्रश्न पूछे गए थे, और पवन भवरिया सर की इन दोनों किताबों से पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, हु गोरी किरण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है, यादवेंद्र शर्मा है। इसमें प्रश्न संख्या भी दे रखा है, कौन सी किताब है, राजस्थान कला संस्कृति के 168। अगला प्रश्न है, गिरेशन ने किस बोली को भीली बोली कहा है, तो बागड़ी बोली को कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ष सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो इसमें राजस्थान सेवा संघ 1919 सही है, नरेंद्र मंडल 1921 सही है,
अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 सही है, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 सही नहीं है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है आपको, तो बेराट दयाराम सहनी सही है, बागौर बी एन मिश्रा सही है, कालीबंगा ए घोष, अमलानंद घोष सही है, आहार एस पी जैन नहीं है। अगला प्रश्न है, जोरावा लोकगीत का संबंध किससे, जोरावा लोकगीत का संबंध जैसलमेर से है। अगला प्रश्न है, कर्पूर देवी किस राजपूत शासक की माता थी, ये पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय की माता थी। अगला प्रश्न है, डूंडलौत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डूंडलौत जो है हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है, तो ये बूंदी शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलत क्या था, वो संस्कृत कॉलेज था। अगला प्रश्न है, सुमेल युद्ध कब लड़ा गया, तो 1544 ईस्वी में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, तो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। अब इनमें आप देख सकते हो कि सारे राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से प्रश्न संख्या सही तो आपको बता रखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी, तो ये सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है पूछा है, तो ओगनिया नहीं पहना जाता है, टेवटा पहना जाता है, तिमुनिया पहना जाता है और मांदलिया पहना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है, पांडुपोल अलवर के अंदर है, किराड़ू मंदिर झालावाड़ में नहीं, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में, चंद्रमल जयपुर में है और फूलसागर बूंदी में है। अगला प्रश्न है, सुधा प्रबंध किसने लिखी थी, सुधा प्रबंध जो है महाराणा कुंभा ने लिखी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दादू पंत में सत्संग स्थल कहलाता है, सत्संग स्थल को दादू पंत में अलग दरिबा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोक देवी प्रमुख असंगत युग्म है, तो इसमें आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़ के अंदर सही है, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा सही है, नारायणी माता राजगढ़ अलवर सही है, जिलानी माता जसोल बाड़मेर ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दुविधा कहानी पर जिस पर फिल्म बनाई गई किसने लिखी थी, तो जिस पर फिल्म बनी थी वो लिखी थी विजयदान देथा ने। तो ये राजस्थान का कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, इन किताबों से पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये जो किताबें हैं, ये किताबें आपके सेकेंड ग्रेड एग्जाम में और रीट एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है दोनों किताबें। ये थ्योरी की और ये ऑब्जेक्टिव की किताबें, तो दोनों को अगर आपने नहीं लाए हो तो अभी ला के इनको पढ़िए। ये दोनों किताबें हैं, इन दोनों किताबों में से बहुत सारे प्रश्न अभी तक जितने भी प्रश्न आपने देखे सारे प्रश्न इनमें से पूछे गए थे। ये दोनों किताबें पवन भवरिया सर की, जिनका लेटेस्ट अपडेट आपको बता दिया गया है, तो बहुत मेहनत की है इन किताबों को लिखने के लिए, तब जाके इतने प्रश्न आते हैं। यानी आप हज़ारों किताबें पढ़ोगे, 10 किताबें पढ़ोगे, तब जाके आपके 20 में से 10 प्रश्न भी शायद संभावित एग्जाम में आए। इन दो किताबों को पढ़ने से आपके पूरे में से पूरे प्रश्न अगर सही हो जाते हैं, तो इन किताबों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको फायदा है। तो नाथ पब्लिकेशन की किताबें शानदार किताबें, पवन भोबिया सर इसके राइटर है। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो, ग्रुप सेकंड ग्रेड के लिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए, और थर्ड ग्रेड रीट लेवल 1 और 2 के लिए तो महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप भी देखिए, अपने भाइयों बहनों को भी दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।